changes. वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम लोग ठुमका मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, प्लस क्लिक हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। नंबर वन, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ये कहता है बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा आईफोन खराब हो गया, किसको पकड़ोगे? स्टीव जॉब्स को पकड़ोगे या एप्पल को? एप्पल को पकड़ोगे ना, क्योंकि तुमने एप्पल का फोन लिया है, स्टीव जॉब्स का नहीं। इसका मतलब बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है। और जो भी अमाउंट मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल का दूसरा नाम होता है इंटरनल लायबिलिटी। और जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है बिजनेस के नाम पे, ना कि ओनर के। सेकेंड आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मॉनेटरी बाय नेचर। बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि मॉनेटरी बाय नेचर है, जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ है उसको टुकड़ों में तोड़ दो, जिससे कि हर पीरियड के एंड में उसकी परफॉर्मेंस का पता लग सके, और इस पीरियड को कहते हैं हम अकाउंटिंग ईयर। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बिजनेस के जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हें यूजर्स को कम्युनिकेट कर दो, जिससे कि फेथ बना रहे बिजनेस और उसके यूजर्स के बीच में। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो मैं उसमें अपना पैसा क्यों लगाऊंगा? एक्सेप्ट टेक्निक ऑफ बिजनेस। हमें सिर्फ उतनी बातें बतानी है जितनी पूछी गई है, हमें अपनी बिजनेस की टेक्निक नहीं बतानी कि हम बिजनेस कैसे करते हैं, वरना इसका फायदा हमारे कॉम्पिटिटर्स अपने बिजनेस को ग्रो करने में कर सकते हैं। फिफ्थ आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस में हम अपने आने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। इसको डीप में समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे तब तुम्हारी मम्मी ने बोला होगा ये ले 20 रुपए, क्या पता काम आ जाएंगे। उन्होंने सोचा होगा हो सकता है आने जाने में काम आ जाए या तुम्हारा पेन खत्म हो जाए, तो इसके लिए दिए थे। तो तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पे इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था। और दूसरी तरफ मान लो तुमको आज 17 रुपए पा गए, जरूरी थोड़ी ना कल भी पाएंगे, कि मैं सोचता हूँ आज रास्ते से निकलता हूँ और मुझे 63 रुपए पा जाए, ऐसा होगा नहीं। उसी तरह बिजनेस में हम अपने आने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहते हैं, पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। तो बस यार आज के लिए इतनी। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जिसको मैंने खुद डिजाइन करा है, इस चैप्टर के क्या आगे आने वाले बाकी सभी चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करो नोट्स, मैं तुमको एक लिंक दूंगा, उस लिंक को क्लिक करते तुम रीडायरेक्ट कर जाओगे ड्राइव पे, ड्राइव पे इसके नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। सुनो मेरी प्लीज, जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम ले, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम ले।